महाराज शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में स्थित जन्नार शहर के निकट शिवनेरी के किले में हुआ था। महाराज शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोंसले एवं माताजी का नाम जीजाबाई था। बचपन से ही महाराज शिवाजी पर अपनी माँ जीजाबाई का कई प्रभाव रहा। माँ जीजाबाई बचपन से ही उन्हें महाभारत और रामायण की कथाएं कहानियां सुनाया करती थी और उन्हें हमेशा मुगलों से युद्ध लड़ने के लिए उन्हें भारतवर्ष के लिए मराठा साम्राज्य के लिए उन्हें प्रेरित करती रहती थी। उनमें जोश और युद्ध की शैली और सारी कला राजनीतिक ज्ञान भी माता से प्राप्त हुआ। 15 वर्ष की आयु में ही वो अपने यार दोस्तों के साथ में किलेबंदी का खेल एवं बंदी प्रशिक्षण का खेल भी खेला करते थे। यानी कि बचपन से ही महाराज शिवाजी में युद्ध की शैली और आने वाले भविष्य की कल्पना करते हुए उन्होंने अपने मानस और शरीर का निर्माण कर लिया था। 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना प्रथम युद्ध प्रारंभ किया था और जो गोरिल्ला युद्ध नीति छापामार युद्ध नीति है उसका प्रारंभ भी महाराज शिवाजी के द्वारा ही किया गया था। महाराज शिवाजी एक बहुत ही चपल और बुद्धिमान और कुशल नेतृत्व करने वाले थे। छापामार युद्ध की नीति के द्वारा उन्होंने हमेशा हर युद्ध में विजय प्राप्त करी। उनके युद्ध की नीति को समझना मुगलों के लिए या अन्य दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। कहते हैं कि माता एक बच्चे का जिस प्रकार से लालन पालन करती है उसका बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यही जीजाबाई का प्रभाव ऐसा रहा कि महाराज शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई। और जब तक महाराज शिवाजी शासनकाल रहा मराठा साम्राज्य का अपना आधिपत्य अपना स्वामित्व कायम रहा। भारतवर्ष में मुगलों के दांत खट्टे करने में महाराज शिवाजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाराज शिवाजी ने हम सब लोगों को एक विषय और एक पाठ पढ़ाया कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, कितना मजबूत क्यों नहीं हो, कितना पे बड़ा क्यों नहीं हो, अपनी बुद्धिमता से आप उसका ही पतन कर सकते हैं। यही उदाहरण अफजल खान जो कि आदिल शाह का सेनापति था जो कि बहुत ताकतवर था लेकिन उन्होंने अपनी चतुर नीति से उसका पेड़ फाड़ दिया था। इस प्रकार महाराज शिवाजी और जीजाबाई इस समाज में संदेश प्रेरणा देते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बचपन से अगर ज्ञान देती है तो बच्चा क्या से क्या बनता है। और जो महाराज शिवाजी की जयंती है यह 1870 में महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा पुणे से प्रारंभ की गई थी। महाराज शिवाजी युवाओं में और आज की जो नव चेतना है माए हैं उन्हें प्रेरणा है कि किस प्रकार से बच्चों का आरंभ करना चाहिए, उनकी शिक्षा देनी चाहिए, किस बच्चों का विकास होना चाहिए।